पहली ओवर पहली गेंद प्रहार किया लेकिन गेंद पर मिले एक रन के साथ अक्षय सोनी ने अपना अकाउंट जरूर ओपन किया। इस एक रन के साथ खाता जरूर खुला है। चार ओवरों का ये मैच जारी है। जो भी टीम जीत हासिल करेगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली दूसरी टीम बनेगी जरूर। इस बार अक्षय ने किया प्रहार गेंद हवा में, जयेश मौजूद, खूबसूरत कैच, क्या बात है। जयेश को वहां पर खासकर गॉगल पहनाकर खड़ा किया गया कि वो सूरज से निगाहें मिलाकर कैच को पकड़े। बहुत डिफिकल्ट है कैच होता है ये, और बिल्कुल सनग्लासेस पहनकर इस कैच को पकड़ा है उन्होंने। और पहले विकेट का बता हुआ अक्षय सोनी एक रन बनाकर पवेलियन की राह लौटते हुए। न्यू बैट्समैन आए हैं गणेश आदित्य, जो कि इस टूर्नामेंट में, इस प्रतियोगिता में अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी का इन्होंने जरूर नमूना पेश किया है। वही खिलाड़ी इस वक्त विकेटों के बीच नजर आता हुआ। गेंदबाज विशाल सज्ज होंगे सामना करने के लिए तैयार। आदित्य, आदित्य ऑन फायर, गेंद डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, छह रन, व्हाट अ हिट, क्या बात है। आदित्य अकाउंट अपना खोला छह रनों के साथ है। विशाल की अगर बात करें तो बिल्कुल इस प्रतियोगिता में, इस टूर्नामेंट में इस गेंदबाज ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी जरूर की है। काफी अच्छी लाइन और लेंथ की गेंदबाजी उन्होंने जरूर की है। सामना फिर से एक बार करेंगे आदित्य, एक सिक्स लगाकर अपना अकाउंट, अपना खाता खोलने वाला बल्लेबाज विकेटों के बीच इस वक्त मौजूद। इस बार थोड़ी सी लो फिटर्स गेंद थी, हाना के इशारे नजदीकी मामला, लेकिन अंपायर्स का डिसीजन यहां पर नहीं बदलता हुआ, गेंद सिर्फ रही टॉप के रूप में। अच्छा कमबैक विशाल के माध्यम से देखने मिलता हुआ, अच्छी गेंदबाजी विशाल जरूर करते हुए। चार गेंदें हो चुकी हैं, स्कोर दर्शाता हुआ सात रन, जिसमें एक बड़ा हिट देखने मिला, एक विकेट जरूर देखने मिला। इसी बीच विशाल की अगली गेंद, इस बार गेंद हवा में है, कोशिश जरूर की थी एक्स्ट्रा कवर पर दौड़ लगाकर कैच को पकड़ने की, लेकिन डिफिकल्ट कैच था, मैं तो यही कहूंगा। नो मैन्स लैंड पे गेंद गिरती हुई 38 सर्कल से दौड़ लगाकर डीप एक्स्ट्रा कवर पर जाकर कैच को पकड़ना एक मुश्किल भरा पेपर रहा, और उसमें यहां पर कामयाबी हाथ नहीं आई, लेकिन कोशिश जरूर की। स्कोर है 9 रन। गेंदबाज विशाल फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर। इसी बीच ये गेंद, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन। सीमित ओवरों में हम अक्सर कहते हैं कि 10 रन के अंदर का ओवर अगर आप पावर प्ले में करते हो तो वो ओवर आपके लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है, और यहां पर विशाल ने उसी तरीके का कारनामा किया। 9 रन की ओवर की है जिसमें एक विकेट उन्होंने अपने नाम जरूर लिखा, और एक सफलता, वो भी बड़ी सफलता मानी जाएगी। अक्षय सोनी जैसे एक टैलेंटेड बैट्समैन को उन्होंने पवेलियन की राह लौटने पर मजबूर किया। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 9 रन एक विकेट के नुकसान पर। तो दोस्तों आप देख रहे हैं राजू भाई स्पोर्ट्स प्रेजेंट, राजू भाई चषक 2020, साल नया है लेकिन टूर्नामेंट सदियों से चला आ रहा पुराना है, और इस साल का पहला टूर्नामेंट इस क्षेत्र का आप सभी खिलाड़ियों के लिए एक बेहतरीन मेजबानी, राजू भाई चषक 2020। गेंदबाजी की जिम्मेदारी देखना यह है कि किसके कांधों पर दी जा रही है। तेजस आए हैं अपनी टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर, एक साल की इंजरी के बाद यह
फिर से आए हैं फिट होकर, और ये मेरे ख्याल से दूसरा टूर्नामेंट उनका रहा है इस क्षेत्र में। बिल्कुल, दो बार इंजर्ड हुए हैं और काफ़ी बड़ी इंजरी के बाद, सर्जरी के बाद वो परफॉर्मेंस करने एक साल पूरा उन्होंने रेस्ट किया और उसके बाद कमबैक बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने किया। तेजस गणेश जो कि इनका सामना करेंगे, दूसरी ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार होते हुए अपने बॉलिंग मार्क पर। पावर प्ले का बंदर छूट चुका है। लेग साइड की फील्डिंग की व्यू रचना देखें, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, मिड विकेट, काउ कॉर्नर और लॉन्ग ऑन, उसी तरीके से एक मिडॉन के क्षेत्र में खिलाड़ी को तैनात किया गया है। ऑफ साइड की अगर बात करें तो पॉइंट कवर और डीप एक्स्ट्रा कवर। इसी बीच ये गेंद, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। बिल्कुल यहाँ पर ललचाती हुई गेंद, फ्लाइटेड गेंद की थी और गेंद टप्पा खाने के बाद जो टॉस होती हुई नजर आई, बचा हुआ काम कीपर ने किया, गेंद रही टॉप के लिए। इस बार देखिए फील्डिंग में जरूर थोड़ा सा परिवर्तन देखने मिलता हुआ। दीपेश एक मिड ऑफ के खिलाड़ी को हटाकर, मिड ऑन के खिलाड़ी को हटाकर मिड ऑफ पर तैनात किया गया है। अगली गेंद लेकर फिर से एक बार सज्जे होते हुए गेंदबाज। ये अच्छी गेंद थी, फुल एंड डिलीवरी थी, कारपेट के सारे खेला गया, इसको खराब फील्डिंग का प्रदर्शन। दूसरे रन के लिए दौड़ लगती हुई और दो रन यहां पर पूरे किए। जयेश की अगर बात करें तो बिल्कुल इन्होंने एक कैच जरूर लपका है इस मैच में अपनी टीम के लिए, और इस बार आउटफील्ड थोड़ी सी खराब होने के कारण गेंद को बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से पीछे से आकर विशाल ने कवर किया और यहां पर रनों की रन संख्या में थोड़ी सी बढ़त, स्कोर जा पहुंचा है दो आंकड़ों में दर्शाता हुआ 11 रन। अगली गेंद, इस बार के हाथों से कैच छूटी, दो रन यहां पर पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। बिल्कुल जयेश ने यहाँ पर कैच जरूर ड्रॉप किया है लेकिन उन पर अभी भी उनके कप्तान को भरोसा है, उन्होंने भरोसा जताया है कि जयेश आप उसी क्षेत्र में फील्डिंग करें। इसी बीच अगली गेंद, इस बार परफेक्ट यॉर्कर, क्लीन बोल्ड, विकेट का बदल। न्यू बैट्समैन उदय को यहां पर आमंत्रित करते हुए उनके कप्तान आदित्य शेट्टी। तो उदय थोड़ा सा प्लीज दौड़ते हुए चले जाए, वार्म अप करते हुए जाए प्लीज। चार गेंदें हो चुकी हैं, स्कोर है 13 रन और विकेटों की अगर बात करें तो दो विकेटों के नुकसान के बाद। चलिए मेरे ख्याल से 40 प्लस की टीम आ चुकी है तो उनका हार्दिक स्वागत है। आइए फाइनल मैच आज ही खिलाया जाएगा 40 प्लस का। विश्वास जी मुकादम साहब और रामना ठाकुर सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको मंच के ऊपर आना है, आपका हार्दिक स्वागत है, सुस्वागतम। इस बार आते ही साथ अपनी गाड़ी को डाला टॉप गियर में, गेंद आउट ऑफ द पार्क, छेद। राम मुकरम साहब आपसे भी विनती है, आपको भी आना है मंच पे, आपका भी हार्दिक स्वागत। स्कोर जा पहुंचा है 19 रनों पर। इसी बीच अगली गेंद, तेज तर्रार गेंद करने की चाहत महंगी साबित हुई है, लेग स्टंप के बाहर गेंद को कर बैठे वाइड बॉल। स्कोर की अगर बात करें, स्कोर 20 रन, स्कोर दर्शाता हुआ 20 रन।
इस बार ये अच्छा स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, अच्छी फील्डिंग, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं, ओवर की हुई है समाप्ति और दो ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 21 रन। विट्टू की अगर बात करें तो दो विट्टू के नुकसान के बाद अर्शद, न्यू गेंद बाज आए हैं, पहली गेंद, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, क्या बात है, तेज तर्रार गेंद करते हुए गेंद रही सुरक्षित डॉट के रूप में। इसी बीच बल्ले को स्विंग किया, नहीं जाती थी मिडिल के बाउंड्री के बाहर, छह रन, क्या बात, छह रन। विश्वास मुकादम साहब आपका भी हार्दिक स्वागत है, राम ठाकुर सर आपका भी हार्दिक स्वागत, आइए मंच के ऊपर। राम मुकादम, मैं रिक्वेस्ट करूंगा राम मुकादम सर आपको भी आना है स्टेज पर। इस बार गेंद बैट्समैन के बाहर, वाइड बॉल, स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर 28 रनों पर नजर आता हुआ। सामना करने के लिए तैयार, गेंद थी बेहतरीन, पॉइंट बाउंड्री की तरफ, छह रन। आज के दिन का ये पहला सिक्सर ऑफ साइड के क्षेत्र में राइट हैंड बैट्समैन के बल्ले से निकलता हुआ और जिसका नाम है उदय। स्कोर 34 रन, तीन गेंदें हो चुकी हैं, स्कोर है 34 रन। देखिए ताबड़तोड़ पर स्ट्रोक लगने के बाद ताबड़तोड़ यहां पर सभी खिलाड़ी गेंदबाज अर्शद को समझाते हुए, अर्शद फिर एक बार सज्ज होंगे। देखिए कीपर यहां पर चेंज हुए हैं, विशाल आए हैं कीपिंग की भूमिका में और उदय की अगर बात करें तो क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं इस मैच में। इस बार बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन, पॉइंट के खिलाड़ी ने अपने आप को झोंक दिया लेकिन गेंद को ट्रैवल बैकसाइड नहीं होने दिया, यहां पर अच्छे तरीके से गेंद को फील्ड किया, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर की अगर बात करें तो 35 रन दर्शाता हुआ स्कोर। अगली गेंद इस बार आदित्य शेट्टी ऑन फायर, क्या छह रन। ग्राउंड के बाहर अगर कोई दर्शक कैच पकड़ता है तो उसे 100 रुपए की पेनल्टी, पेनल्टी है, पेनल्टी लेके आना है। इस बीच ये गेंद, इस बार शॉर्टलिस्ट गेम थी, प्रहार करने की कोशिश जरूर की गई लेकिन यहाँ पर एक रन मिलेगा जरूर, ओवर की हुई है समाप्ति, तीन ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 42 रन्स। यस, ग्राउंड के बाहर जो हाइवा कैच होता है जिन्होंने पकड़ा उनके ऊपर ही पेनल्टी यहाँ पर लगाई जाएगी 100 रुपीज की।
या तो फिर 10 सोडा लाइए या 10 गोला लाइए, कुछ ना कुछ लाइए, खाली हाथ ना आइए। 42 रन इस वक्त दर्शाता हुआ स्कोर। ओला वर्सेस होलीवाड़ा के बीच नेक्स्ट है, फाइनल का मैच खिलाया जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर दोनों ही टीम के कैप्टन आइए, आपका टॉस यहाँ पर हम करेंगे। वेलकम सुनील भोईर सर, स्वीट वॉइस ऑफ कासर वडोली, आज का दिन मेरे साथ रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, चाहते तो गेंद को लंबे क्षेत्र में भेज सकते थे लेकिन मिडल नहीं कर पाए सही तरीके से गेंद को। और यहाँ पर जो रन मिले हैं वो है एक रन, आदित्य सामना करने के लिए सज्ज होते हुए 43 रन का स्कोर इस वक्त दर्शाता हो। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी लेकिन शॉर्ट सिलेक्शन काफी खराब, विकेट जरूर गिरता हुआ। न्यू बैट्समैन आ रहे हैं इस वक्त सनी पटेल, तू खुद भी मार सकता है, मैं भी मार सकता है। अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज, आधी विकेटों पे पटकी हुई गेंद थी, प्रहार करने की जरूर कोशिश की लेकिन एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। यस फर्स्ट वार्निंग यहां पर अंपायर ने जरूर दी है, अब देखने वाली बात ये होगी क्या गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ को चेंज करते हैं, क्योंकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालने आए हैं। चेतन गेंदे कर चुके हैं 3, एक विकेट अपने नाम जरूर किया है, बची हुई 3 गेंदे शेष, 3 गेंदे आना बाकी। इस बार ये गेंद डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन, और इस 6 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है पूरे 50 रनों पर, 50 अप। पूरे 50 रन, दो गेंदे अभी भी आना शेष। सामना करने के लिए तैयार है इस बार ये अच्छी गेंद रही डॉट के रूप में, बिल्कुल अभी भी स्कोर थमा हुआ है 50 रनों पर। One, two, go. एक बॉल बाकी, इस बार खराब फील्डिंग, गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, खूबसूरत फील्डिंग का प्रदर्शन, 2 रन पूरे किए हैं और 2 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा।
स्कोर की हुई है समाप्ति। टारगेट रखा गया है 53 रनों का, टारगेट 53 रन। कौन लग रही सर दुर्गा का नंबर नहीं तो गायब है नंबर नहीं मुझे नंबर है पर दुर्गा का नंबर नाना सगर फोन पर कंप्लेंट करें इनसे नाना डायरेक्ट खुश गांव वाले के पाव वाले नहीं समझ में आते तो बांधन थे तेरा दो तीन दिन बाहु शक्ति में कौन ला लाडूला कैच कर तेरा सीसी अच्छे तिकरा मैच आया तल्ले जी टोपी घातले टेंशन बहुत है बरा कोई चीज टोपी नहीं रिटर्निंग घेतले कैच कर रे राटप नहीं का।